आई कैन नॉट बिलीव गाइस, 27 साल हो गए मुझे इस फोन को यूज करते हुए। फर्स्ट फोन नोकिया 5110। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर सुपर कूल रेट्रो टेक अनबॉक्सिंग। हमारे पास कुछ बहुत सारे कूल फोन्स हैं जो लॉन्च हुए थे 1999 में, 2003, 2004, 7, 11, 13, हमने बहुत सारे फोन कलेक्ट किए। आई बिलीव लास्ट जो हमने ट्राई किया था वो थे मोटरोलाज द V3 एंड द V3i। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फोन जो कि बहुत ही आइकॉनिक एंड द कूल है। ये है नोकिया 7110। रिमेंबर दिस फोन? हियर यू गो। इस फोन का एक वेरिएंट था जो 99 की सुपरहिट मूवी मैट्रिक्स में यूज किया गया था। एंड ये है नोकिया 7110, वर्ल्ड का फर्स्ट फोन था जिसमें आपको एक वेब ब्राउजर था। WAP वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ये HTML की पहले की कहानी है, मॉडर्न ब्राउजर की काफ़ी पहले कहानी है। कूलेस्ट फीचर इसका ये स्लाइडिंग की जो था कवर था, डिस्प्ले थोड़ा बड़ा था उस टाइम के हिसाब से। फर्स्ट फोन ये भी था जिसमें आपको एक नेविगेशन व्हील मिलता था और जो ऐसे जॉयस्टिक भी काम कर सकता था। ये भी वर्ल्ड का फर्स्ट फोन था जिसमें आपको T9 प्रिडिक्टिव कीपैड इनपुट मिलता था। मूविंग गाइस फर्दर, एक फर्स्ट आपको बिजनेस फोन दिखाता हूँ, यानी कि स्पेशली क्वालिटी कीबोर्ड के फोन्स, और वो सुपर कूल है। एंड ये है नोकिया 6800, वन ऑफ द फर्स्ट फोन था जिसमें क्वालिटी कीपैड इंप्लीमेंट किया था। 2003 में लॉन्च हुआ था। कूलेस्ट पार्ट कहते हैं कि यहाँ पे आपको अनयूजुअल एक कीपैड मिलता है। वैसे तो ये नॉर्मल फोन है, लेकिन जैसे इसको आप खोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट क्वालिटी कीपैड का फोन बन जाता है। अब इस फोन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इवन दो ये क्वालिटी कीपैड था, बट जैसे आप इसमें टाइपिंग एंड टेक्स्टिंग करते हैं ना, जो कि हाफ कीबोर्ड इधर है हाफ कीबोर्ड उधर है, तो आपको लिटरली रिकॉल करना पड़ेगा किस साइड आपका कौन सा की पड़ता है। स्टिल यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक मिलता था, इसमें कोई सेंटर होम बटन था, बस ये 4 वे से आप जो कॉल कर सकते थे, नेविगेट कर सकते थे। कलर डिस्प्ले था जो कि कूल पार्ट था इसमें। इस फोन में आपको FM रेडियो मिलता था, प्लस 5 MB की इंटरनल मेमोरी था, साथ साथ यहाँ पे GPRS एंड एज का सपोर्ट दिया गया था। आपको बताता हूँ गाइस, मैंने स्टार्टिंग में मोटोरेजर क्यों दिखाया था, इस वजह से बिकॉज जिस वक्त ये फोन आया था उस वक्त क्लैमशेल फोन्स की भरमार आ गई थी। तो नोकिया ने एक बहुत ही एक्साइटिंग फोन लॉन्च किया था और ये था 6260। 2004 में लॉन्च हुआ था और इसमें बहुत ही कमाल के फीचर थे कि इस फोन को आप ऐसे शॉर्ट ऑफ कैमकॉर्डर यूज कर सकते थे। इसमें जो स्क्रीन है ये 270 डिग्री रोटेट कर सकती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा VGA कैमरा दिखता है जिसको आप ऐसे यूज करके फिल्म कर सकते थे, वीडियो बना सकते थे और तमाम तरह की चीज़ें कर सकते थे। ऑल्सो डेडिकेटेड कैमरा शटर, वॉल्यूम बटन्स, टॉप में यहाँ पे आपको चार्जिंग नोटिफिकेशन, LED लाइट्स, डेटा सिंकिंग केबल है, चार्जिंग एडाप्टर, सीरियसली काफ़ी कूल था। इस फोन ने आपको 65K रिजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता था। वेट बहुत ही लाइट वेट था। फीचर सॉफ्टवेयर के इसके नियरली सेम थे कि नोकिया 6600 में था। बट इस फोन में एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा, जैसे इस फोन को मैं यूज़ कर रहा था, ये फोन बहुत ही अनकंफर्टेबल है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मुझे कुछ और मेन्यू बटन चाहिए, तो मुझे अननेसेसरी हैंड्स को स्ट्रेच करना पड़ा था। मुझे लगता है कि ये एक रीज़न था कि जिस वजह से ये मॉडल उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट क्लैमशेल फोन था जिसमें कैमकॉर्डर फीचर दिया गया था। नेक्स्ट फोन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन था नोकिया का जो स्पेशली फॉर द बिजनेस लाइंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो ये नोकिया ई सीरीज़ का फ़ोन था, E62। कूल पार्ट क्या था कि इसमें आप देख सकते हो कि डिस्प्ले सीरियसली काफ़ी बिग दिया गया था उस टाइम के हिसाब से, जब उस वक्त से छोटे छोटे डिस्प्ले के फ़ोन आते थे। तो ये कूल आईफोन टाइप का फ़ोन था उस टाइम पे, इवन जब आईफोन लॉन्च भी नहीं हुआ था। सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे डायरेक्टली दिए गए थे, ईमेल का सपोर्ट था, ब्लैकबेरी का थर्ड पार्टी ईमेल चलता था, और इवन यहाँ पे डेडिकेटेड शॉर्टकट्स हैं लाइक मेन्यू, ईमेल, कॉन्टैक्ट्स। इवन यहाँ पे सेपरेट आपको एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इंस्टेंटली यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर, आप वॉइस मेमोज ले सकते हैं, स्पेशली फॉर द बिजनेस मीटिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन घड़ी के इनसाइड आपको बहुत सारे कूल फीचर मिलते थे, जैसे कि यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर मिलता था, वर्ड शीट मिलती थी, आप कंप्लीट इसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, MS Word सब कुछ पढ़ सकते थे। इवन यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मिलता था, जहाँ पे आप कोई भी स्लाइड्स चाहें तो प्रेजेंट भी कर सकते थे यूजिंग कीबोर्ड और यूजिंग वायरलेस वेलिंग वायर, बहुत सारे तरीके थे। तो एक सुपर हाईटेक बिजनेस फोन बनाया गया था। आज के टाइम पे अगर हम मोस्ट प्रीमियम फोन्स की बात करें जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, वो ऑफ कोर्स आपको लेटेस्ट आईफोन्स में होते हैं, प्रो मैक्स मॉडल और सैमसंग के अल्ट्रा फोन्स में होते हैं। जितना लेटेस्ट हो सकता है वो आपको इन दोनों फोन में मिल जाएगा। बट बैक इन 2007 के आसपास, 15 साल पहले, कहानी बहुत अलग होती थी।
एन सीरीज के फ़ोन आते थे जो कि मोस्ट एडवांस हाईटेक फ़ोन कहलाते थे। एंड एज यू कैन सी इस फ़ोन में जो जो फीचर दिए गए हैं कमाल के, वाओ, ये एक ट्रू कैम क्वाडर फ़ोन था जो 2007 में लॉन्च हुआ था। अब इसमें कमाल क्या था कि इसमें स्वेवल डिज़ाइन था जो नोकिया के N90 में था। डिस्प्ले इसका सुपर बेसिक था बिकॉज 16 मिलियन कलर्स थे उस वक्त, मिलियंस कलर नहीं होते थे, 65K चलते थे। 50 MB इंटरनल मेमोरी विद द सपोर्ट ऑफ 2 GB एक्सपेंडेबल कार्ड। ऑल्सो कूलेस्ट पार्ट क्या था गाइस, इस फोन में आप देख सकते हैं साइड में एक जॉयस्टिक बटन दिया गया था, यानी कि अगर मैं फोन को चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं साइड से ऐसे कर सकता हूँ। इस फोन में कमाल ये दिखता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्ल ज़ाइस 3x ऑप्टिकल जूम 3.2 मेगापिक्सल। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फोन था उस टाइम पे जब 3x ऑप्टिकल जूम दिया गया था। रिमेंबर, आजकल कंपनीज 3x ऑप्टिकल जूम 35-30 हज़ार के फोन में देती हैं। इवन वीडियो क्वालिटी जस्ट 1080p थी, लेकिन उसको DVD लाइक कहा जाता था। यहाँ पे आपको एक एडिशनल कवर स्क्रीन मिलती है जो आजकल के फोल्ड और फ्लिप फोन्स में आती है। ऑन दिस साइड यहाँ पे आपको बिग कैमरा लेंस दिख रहा है। इस फोन में आपको 2 स्टीरियो माइक्स मिलते थे। और कूल पार्ट क्या है कि जैसे आप देखो यहाँ पे एक बटन दिया गया ना फ्लैश का, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग का। जैसे मैं इस फ्लैश बटन को दबाता हूँ, इस फोन में आप देखोगे एक छोटी सी LED लाइट जल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बटन दिया गया ना शटर, ये डायरेक्ट कैमरा शटर बटन है। इसको आप क्लिक करेंगे ना तो उससे फोटोज खींच जाती हैं। प्लस नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे एक जो मैकेनिकल बटन दिया है ये, इससे आप चाहें तो इसमें जूम कर सकते हैं। द लेजेंडरी नोकिया N93i, और ये है HTC सेंस, 2011 में लॉन्च हुआ था। 2.6 इंच का यहाँ पे आपको TFT 256K का डिस्प्ले मिलता था। प्लस यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई थी। जस्ट 1 क्वालिटी एंड्रॉयड फोन था, और इसमें एंड्रॉयड 2.3 रन करता था। 512 MB स्टोरेज, 5 MP कैमरा मिलता था। और HTC के कैमरे गाइस ऑल वी नो अच्छे होते थे। अनफॉर्चुनेटली गाइस, आई एम रियली सॉरी, ये फोन जस्ट ऑन नहीं हो रहा, अदरवाइज एंड्रॉयड 2 कैसा चलता था आज के टाइम पे, इट वॉज सुपर फन। वैसे मैंने आपको नेक्सस दिखाया था, जो ओरिजिनल नेक्सस जिसमें बहुत पुराना एंड्रॉयड चला था, वो आप चेक कर लीजिएगा। बैटरी भी लाइफ इसमें भी काफ़ी सही तरीके से फिट की गई, इवन तो ये कर्व फोन है। इन दोनों फोन में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं। फर्स्ट कॉमन फैक्टर, दोनों ही फोन 2013 में लॉन्च हुए थे नोकिया लोमिया 1020 जुलाई में, और उसके अगेंस्ट में सैमसंग ने लॉन्च किया था द गैलेक्सी S4 जूम, द हाइब्रिड कैमरा फोन। इसके बाद एक और फोन आया था के जूम, और उसके बाद सैमसंग ने एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी डिच कर दी थी। उस टाइम पे कैमरा वॉर चली थी कि कौन सी कंपनी बेस्ट कैमरा फोन लॉन्च कर सकती है, तो सैमसंग का आंसर था इस फोन से। वन ऑफ द ओनली फोन था उस टाइम पे जिसमें आपको 10x ऑप्टिकल जूम का फीचर मिलता है, जो कि वे लेटेस्ट सैमसंग के S4 अल्ट्रा में भी नहीं है। लास्ट ईयर था S23 अल्ट्रा में, बट इस टाइम पे ये भी नहीं है। सिक फोन एज ए कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा, बट फोन आज के टाइम के फोन के बराबर ही वेट का है। ऐसा नहीं कि सुपर हैवी है, स्पेशली एक कंप्लीट DSLR मॉड्यूल लगा दिया गया है। ऑल्सो यहाँ पे ट्रू ज़ीनॉन फ्लैश था जस्ट लाइक दी नोकिया लूमिया 1020। ये फोन पावर्ड था एक्सिनॉस प्रोसेसर से, तो आप इसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता था QHD फॉर द प्रोटेक्शन, गोरिल्ला ग्लास 3। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये जस्ट आपका 1080p 60fps था विद द सपोर्ट ऑफ OIS गैलेक्सी के जो में 4K आया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। कूल पार्ट ये है कि आप देख सकते हो कि जो कैमरा लेंस है वो कम्प्लीटली हिडन है, जस्ट लाइक ऑन दी नोकिया लूमिया 1020। तो मैंने कहा था ना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, और जैसे आप कैमरा ओपन करते हैं काफ़ी बिग सेंसर बाहर चला आता है, और इवन अगर आप इसको जूम करेंगे ना तो ये और बाहर अंदर होता रहता है कुछ इस तरीके से। तो सीरियसली वन ऑफ दी मैमथ कैमरा फोन था, बट उस टाइम पे इवन गाइस आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर 11 इयर्स, इस फोन की क्वालिटी सुपर अमेजिंग है। जैसे कि डेडिकेटेड कैमरा शॉर्टकट क्लिक विद द ज़ीनॉन फ्लैश, काफ़ी एक्सलेंट क्वालिटी आ जाती है। सो या गाइस, दैट्स इट विद द टुडेज रेट्रो ट्रैक। काफ़ी मेहनत लगती है, स्पेशली ऐसे फोन्स मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो वर्किंग कंडीशन मिलना बहुत ही टफ होता है। इंपोर्ट करना, इंपोर्ट टैक्सेस, ड्यूटीज, चलाना, समझना, आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताना, सो मच फन। अगर आप सीरियसली ऐसे टेक के शौकीन हैं
तो लेट मी नो आपने कौन सा फोन से यूज़ किया और नेक्स्ट टेक में हम कौन सा प्रोडक्ट्स ट्राई करें। बहुत सारे फोन्स वैसे ऑलरेडी हैं, स्टिल आई वुड लव टू नो। सी वेरी सून, हैव अ ग्रेट डे।